एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है सर। मैं तो सर्वर पर एक्सीडेंट हुआ था तो मैं एक आंसर सुनना बंद हो गया था। बराबर। तो जो है मैंने ट्रीटमेंट करवाया नहीं सर, मैंने देखा कोई नस वगैरह जो है दब गई होगी, वो अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन जो है आवाज़ आई नहीं वापस। तो अभी जो पिछले महीने भर से मैं अपने काम का ट्रीटमेंट कराने लग रहा हूँ, मैंने कई डॉक्टर के पास भी गया, मैंने कई चेकअप करा लिए। मैं जो भिलवाड़ा में डॉक्टर के पास गया सर, 6000 रुपये के लिए लगे सारे चेकअप हुए मेरे, 6000 रुपये लगे सारे चेकअप हुए मेरे। जो है लास्ट में उसने बोल दिया डॉक्टर ने कि आपको जो है वो मैडम मेरे को साइड में ले गई और उसने बोला कि आपको सुनने की नसें जो कमज़ोर हो गई आपकी और मशीन लगानी होगी आपको। तो मैंने जैसे उसने मशीन की बोला, मैंने बोल दिया नहीं, तो वो मेरी जो है साइकोलॉजी चेंज करने लगी। साइकोलॉजी चेंज करने लगी तो उसने बोला कि अभी 10-12 साल के लड़के की रोड पे चली जाती है, वो भी तो क्या वो चश्मा नहीं लगाता है। तो मैंने कहा मैडम रहने दीजिए, आप जो है मेरी ये मेंटलिटी चेंज मत कीजिए। तो मैंने कहा आप कह रही हैं जो नशे कमजोर हो गई है, मैंने कहा मैं ऐसे कर रहा हूँ आवाज़ क्लियर आ रही है, मैं ऐसे कर रहा हूँ आवाज़ क्लियर आ रही है। मैंने कहा 70-80 साल वालों की नशे कमजोर नहीं होती, 70-80 साल वाले पूरा सुनते हैं, ठीक है ना। और मेरी तो अभी एज ही क्या है, 33। सही बात है, मैं कैसे नशे कमजोर हो गई है मेरी। सही सही है सर, ये जो है अब आपके सामने प्लीज सर। मैं कह कि मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी काम से, तो मैं क्या नेट पर उनका कुछ सर्च कर ही रहा था, तो नेट पर YouTube पर मैं सर्च कर रहा था तो मेरे को YouTube पर मिला, ठीक है ना। तो YouTube पर मैंने कई सारे वीडियो देखे, ठीक है ना। तो YouTube पर मैंने इतने वीडियो देखे तो सर मेरे को लगा कि नहीं मेरी प्रॉब्लम यही है क्या। मैंने कई सारे वीडियो देखे, कई सारे जो जो है ना पेशेंट आपके यहाँ आते हैं उनकी जो प्रॉब्लम सुनी, तो मैंने कहा मेरी समस्या यही है और मेरा जो है इलाज वही है। ये बहुत अच्छा लगा है, ठीक है ना, और बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरे को। मैसेज तो यही है कि जो आप सब जगह से उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो उम्मीद आपकी खत्म हो गई है, एक मौका अपने आप को अवश्य दें और यहाँ जरूर आए। और देखो वापिस एक देखो ऐसा है ना कि अगर कान से आवाज़ नहीं आती तो जिंदगी नहीं है, इंसान की जिंदगी बिल्कुल खत्म है ना। हम कहीं जाते हैं 4 लोगों में 5 लोगों में बैठते हैं तो हम बात करने लायक नहीं है, कहीं जाने लायक नहीं है, ठीक है ना। या कोई कहीं जा रहा है तो हमारे को साथ नहीं ले जाएगा, वो हमसे बात नहीं कर जो हमसे बात नहीं कर पाएगा तो हमें साथ नहीं ले जा पाएगा, है ना। तो देखो जी कान नहीं है तो जिंदगी एक तरह से है ही नहीं, जीवन है ही नहीं, ठीक है ना। तो एक बार अपने आपको थोड़ा देखो मौका दे और एक बार जरूर पधारें यहाँ और जो है लाइफ का मजा लें।